सुप्रभात बच्चों, देखिए चित्र दिख रहा है। एक छोटा सा बच्चा है, कुछ छेनी और थोड़े से कर रहा है। हमारा आज का पाठ है नन्ना फनकार। नन्ना माने छोटा, फनकार माने कलाकार, किसी काम को करने की कला जिसमें होती है उसको फनकार कहा जाता है। ये पाठ में एक बच्चा है केशव, वो अपने पिता के साथ रानी बादशाह अकबर हैं जो सीकरी में अपना महल बनवा रहे हैं। इस बच्चे के पिता वहां पर काम करते हैं, संतराश हैं। ये बच्चा अपने पिता से संतराश का काम सीखकर उन्हीं के साथ पास जाता है और वहां काम करता है। एक बार जब वह काम कर रहा था, बादशाह अकबर आ जाते हैं, बच्चे से पूछते हैं क्या तुमने बनाई है। बच्चा थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है कि आपको दिखता नहीं मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। बाद में बच्चे को पता लगता है कि बादशाह अकबर है। अकबर उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे सिखा दोगे पत्थर पर नक्काशी करना। बच्चा बिल्कुल अध्यापक की तरह से, मतलब जो सिखाने वाला गुरु होता है उसकी तरह से व्यवहार करता है। बादशाह अकबर को सिखाने का प्रयास करता है और गलती होने पर उन्हें डांटता भी है। लेकिन बादशाह अकबर उससे बहुत मुस्कुरा कर सीख रहे हैं। बादशाह अकबर थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, सब लोग बच्चे को घेर लेते हैं। बच्चा बहुत खुश है कि आज अकबर उससे सीख कर गए हैं। रात को भी वह अपने पिता के पास बैठा हुआ अकबर के बारे में बातें करता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि बादशाह अकबर ये नया महल सीकरी में सलीम चिश्ती की याद में बनवा रहे हैं। और बच्चा अपने पिता से बात करते करते सो जाता है। इस पाठ का हम सीख रहे हैं कि सीखने के लिए कोई आयु नहीं होती, अर्थात अकबर ने एक छोटे से बच्चे से सीखने की कोशिश की। तो मनुष्य कभी भी किसी से कहीं भी कुछ भी सीख सकता है, केवल हमारे मन में काम को सीखने की इच्छा होनी चाहिए।